इसके YouTube के माध्यम से मैं ये ऊपर के अधिकारियों तक अपना मैसेज देना चाहता हूँ कि गरीब पे रहम करो भाई, गरीब पे रहम करो। बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देमा। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ ऑक्सीजन पार्क में। जब दोस्तों मैं यहाँ पे आया थोड़ा ब्लॉगिंग करने, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आया, यहाँ के माली लोग निराश हमको दिखे। माली लोग निराश दिखे दोस्तों, उन लोग तो कुछ बोलना नहीं चाहे, बट दोस्तों यहाँ एक समाज सेवी दुबे जी मिले, उन्होंने हमको सारा चीज़ यहाँ ऑक्सीजन के बारे में बताया कि क्या यहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्यों इन लोग निराश हैं। यहाँ के माली लोग दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं। आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ ऑक्सीजन पार्क में कितना मेहनत होता है, और कितना यहाँ पे हरियाली है, और कितना पुष्प है, फूल है, कितना पानी का फुहारा है, खेलने का है। आप यहाँ पे फोटो शूट, वीडियो शूट, यहाँ रांची के इतने बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं। सारे लोग आने के बाद भी यहाँ पे, यहाँ के जो भी मेहनत करते हैं और जो साफ सफाई या फिर रख रखाव करते हैं, उन लोग के लिए कितना बुरी हालात है। उन लोग कोरोना में ना मानदेय मिला, ना उन लोग के लिए खाने के लिए चावल मिला, फिर भी उन लोग इतना हरा भरा रखे हैं। सारा चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, और नए वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम ऑक्सीजन पार्क में आए हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ पे समाज सेवी व्यक्ति एक मिले हैं, यहाँ के लोग बहुत, जो भी माली वगैरह है, उन लोग को मानदेय ना मिला है, तो उनके पक्ष में कुछ बात रखने जा रहे हैं। इन लोग का कहना है कि जो अभी जो यहाँ पे इतने रांची के वासी आते हैं और यहाँ पे घूम फिर के इन्जॉय करते हैं, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्क, लेकिन जो लोग यहाँ काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उन लोग को कुछ नहीं मिल पाता है। किसान है तभी देश है, मजदूर है तभी देश है, और इन मजदूरों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है आज के डेट में। अभी तक तो इन लोग को वेतन भी नहीं मिला है। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री मोदी भी बोल चुके हैं कि किसी को वेतन काटा नहीं जाएगा, दिया जाएगा। अभी तक पूछ लीजिए, इन लोग वहाँ हैं, कुछ वेतन नहीं मिलता है। 1000-2000 मिलने से क्या होगा इन लोग को? कर्म पूजा पाठ के नाम पर कभी कभी मिल जाता है, ऐसे इन लोग बहुत कष्ट में है। हम तो मुख्यमंत्री से भी मांग हम लोग किए थे, बीच में आए थे नीलाम्बर पीतांबर की प्रतिमा का उद्घाटन करने। जो आप फूल पत्ती देख रहे हैं, ये हमारे मजदूर साथी का ही परिणाम है जो इस तरह का हरा भरा फूल पत्ती है। और इसके पूर्व में जो रेंजर साहब थे विनोद ठाकुर जी, इतने अच्छे काम करते थे कि मैं इसको सपना में भी नहीं सोच सकता हूँ किस तरह का वो काम करते होंगे। इतने अच्छे काम करते थे कि पूरा पार्क हरा भरा रहता था। आज जो रेंजर साहब आए हैं, अभी वो धनबाद चले गए, बहुत अच्छा काम करते थे। इनका काम का इतना प्रशंसा किया जाए वो भी कम है। और अभी जो नए रेंजर आए हैं श्रवण कुमार जी, उनको पार्क से कोई मतलब नहीं रहता है। वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। और पहले का जो ठाकुर साहब थे विनोद ठाकुर जी, अभी रेंजर हैं धनबाद में, वो साहब बराबर आते थे, पार्क का मुआयना करते थे। वो बहुत अच्छे साहब थे और उन्हें अपने स्टाफ को भी बराबर ध्यान दिया करते थे। आज जो है लॉकडाउन में आप देख रहे हैं, ये सब जितना है सब हरा भरा मजदूर वर्ग किया है, हमारा मजदूर साथी किया है, और उन लोग का अभी 7 माह से वेतन ही नहीं मिला, वेतन नहीं मिला है। लेकिन इसके पूर्व में जो रेंजर थे, उन्होंने इन लोग को अपना वेतन से पैसे देते थे। मतलब आपका कहने का है जो अभी रेंजर आए हैं, वो अभी इनके मालिक के लिए कुछ देखभाल नहीं कर रहे हैं। अभी जो रेंजर आए हैं पूरी तरह सुस्त हैं, हमारी उनसे बातें होती हैं, वो हमको लगता है कि निष्क्रिय व्यक्ति हैं, ये पार्क के देख रेख करने लायक वो नहीं है, उन्हें जो है दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाए, मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपने सुना कि इनका कहना है कि जो यहाँ पे अभी रेंजर जो भी अधिकारी हैं, वो पहले जो थे वो अच्छे थे, और वो अभी उनका धनबाद पोस्टिंग हो गया, बट जो अभी मैं चाहता हूँ कि उन्हें फिर रांची बुलाया जाए। सरकार से मैं मांग करूँगा कि फिर वैसी स्थिति में ऑक्सीजन पार्क आ जाए। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति हैं, और पार्क का जो बुनियाद देख रहे हैं सारा उन्हीं का शुरुआती किया हुआ है। आज हमें कमी खलता है कि वो साहब नहीं है यहाँ, वो दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन अभी फिलहाल जो वर्तमान में जो आपके श्रवण कुमार जी रेंजर साहब हैं, उनको कोई इस पार्क से मतलब नहीं है। बहुत दूर से लोग आते हैं, झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़, यूपी, हर जगह से लोग आते हैं इस रांची की राजधानी में, और घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। बहुत अच्छा उनको लगता है, बोलते हैं कि भैया यहाँ जो सुकून मिलता है कहीं नहीं है इस पार्क में। और दूसरी बात है कि इस पार्क में सुकून तो मिल रहा है सभी लोग को, लोग बहुत खुशी होते हैं पार्क में आने के बाद। लेकिन पार्क का जो स्थिति है आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है देखिए, कितना अच्छा ये चमकता हुआ आईना है इस झारखंड का। इतना अच्छा फूल है, हमारे माली, हमारे हमारे मजदूर साथी कितना अच्छा हरा भरा रखे हैं, लाल पीला,
दिख रहा है और यही फूल दिखाता है कि ये ओरिजिनल माने देश के हितैषी लोग हैं, अपने मेहनत से खून पसीनों से इस पार्क को हरा भरा रखे हैं। और कितना अच्छा लग रहा है, कमल का फूल है, गेंदा है, पीला पीला है, लाल है, नारंगी है, पीला है, कितना अच्छा पार्क को सुसज्जित रखे हुए हैं। अगर आप बताइए साहब, अगर इन्हें अगर वेतन सही समय से नहीं दिया जाए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये मैं तो अपने माध्यम से, इसके यूट्यूब के माध्यम से मैं ये ऊपर के अधिकारियों तक अपना मैसेज देना चाहता हूँ कि गरीब पर रहम करो भाई, गरीब पर रहम करो। इतना सुसज्जित बना हुआ है और सारे लोग आते हैं, ये एकदम 6 बजे से शुरू हो जाएगा, सारे लोग व्यायाम करते हैं। देखिए हराधन जी हैं, ये देख रेख करते हैं, बहुत सारे यहाँ के हमारे साथी फूल पत्ती को देखते हैं। और हराधन जी देखिए कितना अच्छा मेहनत करते हैं, और ये अभी बहुत इसमें महिलाएं स्टाफ हैं, पुरुष हैं, और सारे ईमानदारी के साथ पार्क को सुसज्जित करते हैं। और देखिए यहाँ पे जिम जो बना है, इसमें इतना सुविधा पब्लिक का है कि शाम में भी आते हैं और सुबह में भी आते हैं और इतना एंजॉय करते हैं। यहाँ पे आते हैं लोग, एक्सरसाइज करते हैं। देखिए ये कितना अच्छा है, पैर घुमाने वाला है। महिलाएं भी करती है ना? महिलाएं भी करती हैं और इतना महिलाएं बच्चे सब आते हैं। और साहब देखिए झारखंड का ये पहला ऐसा पार्क मैं समझता हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं ये सरकार से मांग करूँगा और विभाग से मांग करूँगा कि इस पर थोड़ा सा ये जो होना चाहिए टिकट व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कि पार्क का भी मेंटेनेंस हो, यहाँ के कर्मचारी का भी मेंटेनेंस हो, हमारे मजदूर भाई का मेंटेनेंस हो जाए, हमें खुशी होगा। हम यही चाहते हैं कि पार्क को थोड़ा और सुसज्जित किया जाए। आई शहीद नीलांबर पीताम्बर जी इतने सशक्त और क्रांतिकारी थे कि अंग्रेज भी इनको देख करके भागते थे, और आज हमें बहुत गर्व और महसूस हो रहा है कि इनकी प्रतिमा के पास मैं खड़ा हूँ। मेरा भी ये सपना है कि मैं इनके सपनों को साकार करूं और सच्चा झारखंडी बनूं, आम गरीब मेहनतकश मजदूर सबों की लड़ाई लड़ूं। जय हिंद, जय झारखंड। देखिए कितना मनमोहक ये गेंदा का फूल है, कितना आकर्षक लग रहा है। ये झारखंडी लोग को दूसरे दूसरे राज्य से भी लोग आते हैं, सबका मन मोह लेता है। देखिए ये वॉलीबॉल का बना हुआ है खेलने वाला, इसमें कई तरह कितने प्रकार के प्रतियोगिता हो चुके हैं। हम लोग यहाँ के बगल में रहते हैं, यहाँ लुत्फ उठाने आते हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ खेलने आते हैं। देखिए कितना हरा भरा है, ये माली लोग का, हमारे मजदूर साथी का योगदान है। देखिए एक आ रहे हैं, हमारे बिरसा, आओ जल्दी, बिरसा जी आ रहे हैं। और ये इतना इस पर मेंटेन करते हैं, इनको जूता पहन के इस घास में घूमने नहीं देते हैं। वहाँ देखिए वो जो बना हुआ है उतना लंबा, अभी तो कटिंग हुआ है घास का, उसमें भी किसी को नहीं जाने दिया जाता है, बिना माने खाली पैर वहाँ सब लोग जाते हैं, चप्पल में कोई पहन के वहाँ नहीं जाते। देखिए कितना अच्छा ये बना हुआ है कुर्सी, ये हमको नहीं लगता है कि झारखंड में कोई ऐसा पार्क इसका टक्कर दे सकता है। और ये फॉरेस्ट डिपार्ट की बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो सोचता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्ट का सारे लोग, यहाँ के लोग ऋणी हैं कि इतने अच्छे पार्क को बनाए। बैठने वाला कुर्सी है, योगा करने वाला, देखिए वहाँ गोलंबर बना हुआ है वहाँ पे है, और यहाँ फाउंटेन है, पानी का फुहारा, अभी तो फिलहाल बंद है लॉकडाउन के चलते। यहाँ पे देखिए फुहारा फाउंटेन है, चला दो। और इतना अच्छा रंग बिरंगा लाल पीला हरा पानी का फुहारा आता है कि लोग को आकर्षक मनमोह लेता है। सचमुच में झारखंड में सब चीज़ है भाई, मैं ये मानता हूँ, बस झारखंड का बस विकास हो, हम यही चाहते हैं। देखिए फुहारा चल रहा है, क्या है, यही तो असली झारखंडी का पहचान है हम लोग का, कि झारखंड को हरा भरा रखे हुए हैं। और ये मजदूर साथी हराधन जी और बिरसा जी, बहुत स्टाफ हैं यहाँ के, सारे लोग मेहनती हैं। मैं यही सरकार से मांग करूँगा कि इन लोगों के वेतन पर ध्यान दिया जाए, कि जो लॉकडाउन के समय में बुरा स्थिति में लोग जी रहे थे, आज थोड़ा इनका आर्थिक स्थिति सुधर जाए। धन्यवाद।
दोस्तों मैंने ऑक्सीजन पार्क घूम लिया, यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बट जो दोस्तों जो इसको सुविधा देते हैं, जो लोग यहाँ मेहनत करते हैं, उन्हीं लोग को कुछ मिलता नहीं है। यानी दोस्तों जो यहाँ माली हैं, जो भी काम करते हैं, उन्हीं लोग को कुछ नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों हो सके रांची DC और मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुँचाए, ताकि यहाँ के जो भी मानदेय इन लोग को मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लोग आते जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सैलरी इन लोग को कुछ नहीं मिलता है, और दोस्तों यहाँ पे ना कोई टिकट का पैसा है कि इन लोग को आएगा जो एक्स्ट्रा कमाई होगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।